जानी ने जिस सवाने को ये अलवो खीर बना आपा दादूजी बोला क्यों करियो हाजी हो मोयो आज बेटी जामी है उनको करियो है दादूजी मम्मी इन तो चाय खागी छोटो भाई ये बिन के बनाऊंगा इंजीनियर पूरे दिन बल्ब जोड़ता रहे तो दीदी जब बैठाऊं जाता तो तू अकेलो रह जा तो ये कोनी तो के मैं भी दीदी के पास में चल जाऊं या दीदी मेरे कन आ जाए ना मैं बाहर ने खेलने ना चल जाता तारी बहुत बड़ी फैन हूँ सच में तो एक बार मन मम्मी बोला कि ना देखिए बेटा तू डॉक्टर बन जाएगी जब तेरे कन भी आऊंगा ये लोग तो उन टाइम पे मन ला गया तो कि हाँ अब तो डॉक्टर बनना ही अगर खुशबू मैम ने घर लेके आना तो की कर ले रहे भैया या कुसुम लता डॉक्टर निकल ले रहा है मार गए राम राम जी मोक्ष भोजन को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई बुहाना तहसील के अंदर ही गोट गांव है बठे में आई हूं और मेरे साथ में आकांक्षा है। नीट की परीक्षा पास हुई है 675 नंबर बने ही और 2276 रैंक है बान प्राप्त हुई है 662 ओबीसी रैंक है बाग आई है। आकांक्षा है आकांक्षा का दादाजी और आका छोटा भाई दादी पापा मम्मी और बड़ी मामा सब पूरा परिवार साथ में है। तो भाई सबसे पहले तो आकांक्षा बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो थन। थैंक यू। देखे कि झलको का कोई इंटरव्यू? हाँ मैं थारो हर इंटरव्यू देखी और मैं तारी बहुत बड़ी फैन हूँ सच में। के अच्छो लागे थन झलको में सब बढ़िया? मैंने झलकों में सब बढ़िया लगा कि ते अपनी लोकल भाषा में इंटरव्यूज वगैरह लो वीडियो बनाओ तो लोकल पीपल को काफ़ी आप कनेक्ट हो पाओ जो चीज़ मैंने सब अच्छी लगे। दूसरी ते गांव-गांव जाके जो छुपी हुई प्रतिभा है बाकी सब चीज़ है उन्हें दुनिया के सामने लाओ तो बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आज थान कितनों का अच्छा लग रहा है? मैंने बहुत खुशी हो रही है। जब थानिया पे रोपड़ो झलको वाला आऊँगा तब मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मतलब मैं जब डॉक्टर बनना स्टार्ट कर मतलब तैयारी स्टार्ट करी थी तब मैं तारा वीडियो बहुत देखती थी तो एक बार मन मम्मी बोला कि ना देखिए बेटा तू डॉक्टर बन जाएगी जब तेरे कन भी आऊँगा ये लोग तो उन टाइम पे मन लाग गया तो कि हाँ अब तो डॉक्टर बनना ही अगर खुशबू मैम ने घर लेके आना है तो यहाँ कब की बात है? 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले कौन सा इंटरव्यू देखे हो मेरे यहाँ को? मैं तारा लगभग सारा इंटरव्यू देखे रहे जो भी मतलब ते गांव गांव में जाके जाता इंटरव्यू बनाओ वह सब देखा था। फिर जहाँ बीच में ते उठे भी गया था देवयांश फगेड़िया भैया का करना भी गया था तो वह सब मेरा सीनियर्स हैं तो मैंने काफ़ी मोटिवेशन मिले थो टाइम पर कि अब तो कुछ करना ही है। तो आकांक्षा सबसे पहले मैं थारे बचपन में बात करूँगी थारी पढ़ाई लिखाई कठिया हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई उरे सिंघाना लोकल ही हुई है। पढ़ाई में किसा का? पढ़ाई में ठीक थी स्कूल के अंदर। कितना परसेंट बने हैं 10वीं में? 10वीं में हुआ तो बोर्ड हुआ कौन था लेकिन 95% बना था। अच्छा 12th में कितना बने? 12th में 94.4% बना है। और फाउंडेशन करो या कौन करो? फाउंडेशन करो तो मैं 11वीं 12वीं में। तो 12वीं के साथ में निकले हो या एक? नहीं 12वीं के साथ ही निकले। तो यो तो सोना पर सुहागो हो। सही बात है ना आंटी? सोना पर सुहागो है हमारे तो बहुत बढ़िया हुए। कसोग लाग रहे हो आज? बहुत ही जोर को लाग रहे हो। पूरे गांव में मिठाई खुआई मार बेटी को नंबर आए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बचपन कहे की ही बचपन बहुत अच्छी ही और बाबू जी ने बहुत अच्छी लागे ने बेटी सपनों पूरा कर गया। अच्छा ताऊ जी ने अच्छी लागे जानी ने जिस सवानियों के ये अलवो खीर बना आप दादू जी बोला क्यों करियो हाजी हो मोयो आज बेटी जामी है उनको करियो है पापा ने बताई मैं दिंगी लाडू लेके आयो घर हाँ भाई प्रसाद दादू जी ने दियो जिन लो क्यों तू लाडू बाटो पोती जमी मो हाँ लाडू बाटो पोती जमी तार तो बेटी ही कोने हाँ। ये खुशी हुई मार तो बहुत खुशी मतलब दादी जी का बेटी कोने ही और था बेटी कोने यही बेटी है मेरे तो मेरी देवरानी है रहे या मेरी भाना छोटी उनका भी कुन्या उनका तारा तो पूरा परिवार में नहीं उनका दो है पोती। अच्छा दो है हाँ दो हाँ उनका पोती होगी दो मारे दोनों में बीच है यही की का ले रहे भैया ले रहे भैरों ना या कुसुम लता डॉक्टर नी का ले रहा है मार गए डॉक्टर नी की तो बूटी तो है कुसुम लता की देखो हरी भैया ले रही मारे सह कही मारे सही भारा भारे मम्मी है और पापा भी गोल हो छोटो जो दी हुई है दादाजी राम राम मम्मी तो चाय खागी खुराक पूरी खा है और मेहनत पूरी करे है लेकिन चाय ज्यादा सेंद्रीय तो अब आकांक्षा छुटवाओगी ना मम्मी? मैं तो काफी बोलूं पर वो है ना कीजिए आप प्रोटीन शेक है मम्मी के लिए चाय ना चिकनाई नहीं मारा है लावणी नहीं लाण करे हूँ हो रही है पतली नहीं तो ब्याह कंसी अच्छी हो रही बीमार भी एक मन है रही पर पाचा भी गोल हो रही हाँ काम मारा है
काम आ रहा है कशियो खचियो मैं जाटा का हां दादाजी कितनी खुशी हो रही है पोती की पोती बहुत खुशी रह रही दादाजी बचपन में कहे की ही पोती बचपन में बढ़िया थी यहाँ बात बहुत मानती की ओ खूब तो के नाम है वो छठी करी थी पहले बच्चा ही छठी करे ना लेकिन छठी करी थी जलवा भी दुखाई वो दुखायो अच्छा वो दुखायो खुशी से भी पूरी करी एक बार थाली थाली को नहीं बजाई अच्छा भाई का कोई और पोती जमाई जब जाऊंगा बा बजाऊंगा भाई पूरी करांगा तो दादाजी जब थे छुट्टी आता व्यू पहले ही रिटायरमेंट ले लियो बहुत पुराना पिंच ले आ गा पूरी 28 करके दादी आकांक्षा जिद पढ़ना जा रही ही जना थारा ये मनमत होगी छोरी ती दूर जावेगी क्या छोटा बहुत हुई बहुत हुई भाई एक लिखा रहेगी एक लिखा रहेगी नाम करियो है बहुत जोर को नाम करियो कोरोना में 8 महीना तो रही राखी भैंस भी बेच दी तो कौन रहते आकांक्षा साथ में मेरे साथ 12वीं में शुरू का 6 महीना मम्मी रिया था अच्छा हाँ फिर बाद में वापस मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मन लागो कि हॉस्टल में रहूँगी तो काफ़ी जो मेरे फ्रेंड्स था वे भी काफ़ी सही था तो मन लागो कि मैं शायद उन्होंने कुछ और ज़्यादा सीख पाऊँगी एहले मैं उनके साथ बाद में वापस शिफ्ट हो गई थी जब घर आऊँ जब निकले हाँ तो भाई मम्मी पापा को अरमान बड़े मम्मी पापा ही दादा दादी ही पूरी फैमिली को एक जिम्मेदारी बन के निकले हाँ तो मन में के सोचो हो कि आज आप निकल रहे हाँ कदम उठा रहे हाँ तो वापस लेके को नहीं आना ही हाँ बहुत होती थी कई बार तो मैं रो भी लेती थी मम्मी पापा का आगे कि मम्मी सबका इतना सपना है मैं पूरा कर पाऊंगी या कौन कर पाऊंगी तो मैंने एक ही चीज़ कहता था कि तू आगे की मत सोच सपना पूरा होगा तो जब तक डॉक्टर नहीं बनेगी तब मेरे दादाजी सिर्फ एक लाइन बोलता था कि तू डॉक्टर नहीं बनेगी तब तक तेना सीख कर ही चाहे तो कितनी साल ही ले ले तो बस वही चीज थी कि हाँ कुछ करना है कदम अब आगे ले लियो तो पीछे को नहीं हटना तो 2 साल में थे तो क्लियर करके आ गए तो ऑनलाइन क्लास भी ली के ऑनलाइन शुरू कर 6 महीने मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन ही क्लास स्टार्ट हुई थी तो 2-3 महीना में ऑनलाइन क्लास ली थी फिर मैं सीख कर गई थी माहौल की आप बात करा कोचिंग की तो कोचिंग के बारे में बताओ कोचिंग को माहौल जो मैं गुरु कृपा कोचिंग में पढ़ी थी सिक्कर में तो माहौल काफ़ी अच्छा है कोचिंग को काफ़ी टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है पढ़ाई काफ़ी अच्छी है फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल है पढ़ने लायक माहौल है टाइमिंग क्यों होता रो रूटीन रूटीन देखो मैं टाइम टेबल तो कौन बनाया एक दो बार बना के ट्राई भी करो लेकिन वो फॉलो को नहीं हुआ मैं सिर्फ एक तो ट्राई करती थी कि जो मैं मेरा गोल लेके बैठी हूँ कि मैंने इतना चैप्टर्स कंप्लीट करना है भाई मेरा चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करना होता था चाहे मैंने उनमें ज़्यादा टाइम लगो चाहे मैंने कम टाइम लगो मैं टाइम कौन देखती थी जब मेरा टाइम कम हो कम टाइम में कंप्लीट हो जाता तो मैं ज़्यादा भी सोती थी तो मम्मी डांट भी मारता था तो सोवे बहुत है तो मैं एक ही बात बोलती थी मम्मी मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो चिंता मत करो अच्छा सोनू ज़्यादा प्यार है कोचिंग की टेस्ट सीरीज होगी बैठा को भाई इन्वायरमेंट की आप बात करा कि बच्चा ने कहीं पॉजिटिव रखना है तो वो एक बच्चा के लिए कितनों की इम्पोर्टेंट देखो अभी आप गाँव जावा तो नो डाउट उठे जाके एक बार तो हिचकिचाट हो है डर भी लग गए कि आप उरे कहीं मैनेज कर पाऊंगा लेकिन अपन और कोई चीज़ की तरफ ध्यान ही कौन देना आप लक्ष्य सिर्फ पढ़ो पढ़ाई है उठे तो अपन सिर्फ उठे जाके पढ़ना है बाकी टीचर्स उठे काफ़ी सपोर्टिव है तो अपन कोई दिक्कत भी आवे तो वह अपना सॉल्व करें पढ़ाई के अलावा और कोई पर्सनल दिक्कत है तो भी उन सॉल्व करने के लिए तैयार रहें तो टीचर्स को बात करो डर के बात कौन कि टीचर्स आपने बारे में क्या सोचेगा तन कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई नहीं हो रही रूम पर तो टीचर्स को जाके बात करो मैं तो यही काम करती थी मैंने जब भी डर लगता तो मैंने लगता तो कि हाँ अब मेरे को नहीं हो रही तो मैं टीचर्स को जाके बात करती थी मैं मन समझाता था तो फिर काफ़ी मोटिवेशन मिलता था कि हाँ अब मैं कर सकूँ मम्मी पापा को ताऊ ताई जी को सबको की तो सपोर्ट रहते सपोर्ट काफ़ी सबको बहुत सपोर्ट रहते सब यूँ ही बोलता है कि बेटा तू अच्छा कर रही है तू टेंशन मत लिए तेरा सिलेक्शन हो ना हो तू बस पढ़ती रहते रहो काम सिर्फ पढ़ना है बाकी रिजल्ट बाद कर दी थी रात में रो के और महाराज रो कर दी थी रोती क्यों रोती आज मेरे पापा पेपर ठीक कौन बने अच्छा पत्ती आता ना हंस लेती पत्ती आता जो हंस लेती 5 कमाया तो रोना ही कुंडती ए बेटा मत रो तू जन्यू कहती ना
टॉप 10 में नहीं आती ने ओ दिन रोती खूब रोती मम्मी आज नंबर को नहीं मैंने कहती बेटा तू पढ़िया जा नंबर अब की कोने एप्लीकेशन टेस्ट हो मजा जा मैंने कहती तो एक ही नाम बेटा के किया जा आऊंगा बेटा पढ़िया जा तो पढ़न की तो मान लो कुन खणे शुरू की बहुत अच्छी पढ़ती छोटी ने जद ही खेणी कुन पढ़ी की बस रुचि ही मतलब उनकी बहुत रुचि पढ़न छोटी हो डेट बार नहीं नहीं पूरा पढ़ी तो भी आना न्यू कुन के काम कर ले ना देखो वही तो एक महीना बाद पेपर थो तो वो लक्ष्य ज्यादा दिख रहे थो न्यू लगे शादी तो काफी होती रहेंगी तो एक दिन तो यूं थो की चलो चाल के आ जाऊँ एक दिन की छुट्टी थी मेरी तो छुट्टी नहीं होती तो फिर मैं तब भी नहीं आती वो दिन में आई थी बस बाकी वो दिन भी मैं जाता जाता गाड़ी में पड़ती गई थी मेरे और भाई की शादी हो तो भाण का बहुत अरमान हो एकरी कि बरात में दो ड्रेस लाऊंगी मेल में ड्रेस तो मैं काफी लेके आई थी आज तक तानना पड़ रहा है लड़के कौन देखी पड़ी रहेगी ये भी पड़ी है उधेड़ी को बेचारी का कपड़ा भी धरेगा ही रहेगा हाँ अभी भी तानना पड़े तू इतनी ड्रेस लेके आई तो उनको के करेगी अब तो ना आगे दूसरी शादी में भाई ड्रेस पहननी तो मैं नहीं खोल लाके दो जब रिजल्ट आयो तो रिजल्ट का टाइम पर के मतलब एक माहौल हो घर में माहौल कुछ कुन थो मैं कोई ने बताई मेरी फ्रेंड मैं नहा के आई थी मेरी फ्रेंड को फोन आया कि रिजल्ट आ गो तो मैं कोई ने बताई कुन मम्मी रोटी बना रहा था पापा दादी सब बाहर आराम बैठा था तो मैं कोई ने बताई कुन मन लगो कि एक बार मैं खोल के देख लूँ फिर बताऊंगी उन्हें मैं डाउट थो कि शायद अच्छो रहे भी नहीं भी रहे जितनी एक्सपेक्टेशन होता नंबर आवे भी फिर मैं खोलो तो फिर मैं खोल रही तब उन्हें पता चल गो कि हाँ रिजल्ट आ गो तो मैं बैठा रही मेरे पास अब साइट कुन खुली काफ़ी ओवरलोड हो रखी थी साइट तो फिर मैं थोड़ी देर बाद रिजल्ट आया तो रैंक वगैरह देखी मार्क्स वगैरह देखा तो मम्मी ने बताया पापा ने बताया फिर दादा दादी ने बताया तो सब बहुत खुश हुआ बहुत खुशी हुई अच्छा हाँ तो भी टाइम पर सब ने घर का ने बताया तो सब ने रात ने नींद तो आ गई रात ने सब लोग 2 बजे तक जाग रहा था सब ने फोन करके बता रहा था कि भाई रिजल्ट आ गो कोई कोई ने तो एक बार पापा भी कर दियो फिर एक बार दादाजी भी कर दियो फिर एक बार मम्मी भी कर दियो अया को भी होगो तो काफी खुश हुई सबने तो अब बात रही कॉलेज की कॉलेज कौन सी पसंद है कॉलेज देखो पसंद तो सबकी फर्स्ट चॉइस तो एम्स दिल्ली हुआ है लेकिन खैर बात तो कौन मिले लेकिन अभी एम्स जोधपुर की सोची है बाहर नहीं मिले तो फिर और देखो राजस्थान के बारे जानो पसंद है या अंदर मेरा सपना तो यही है कि मैं एक बार कुछ साल राजस्थान के बाहर भी देख के आऊँ शायद मैं उठूँ कुछ नयो सीख के आऊँगी तो उरा आके भी कुछ इम्प्लीमेंट कर सकूंगी राजस्थान में आके भी तो सपना यही है कि जठे मैंने खुद ने एक्सप्लोर करने को जितना अच्छा मौका मिल लगा मैं यहाँ के कॉलेज चुनूंगी और बच्चा देख रहे ही आकांक्षा बन के समझाऊगा के बताऊगा अपनी तरफ हूँ मैं यूँ ही बोलूँगी कि जो तारो सपनों हैं बस उनके पीछे दौड़ो उन पूरों करण के लिए मेहनत करो कोई दिक्कत को नहीं अगर आप एक बार असफल भी होगा तो उन चीज़ों को कुछ ना कुछ सीखोगा और नेक्स्ट टाइम ज़रूर सफल होगा बस सफलता के लिए काम करता रहो रिजल्ट के बारे में मत सोचो तारो काम है सिर्फ मेहनत करना मेहनत करता रहो रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाओ छोटो भाई ये बिन के बनाओगा छोटो भाई देखो अभी वो के बना खुद इंजीनियर बना रहा है इंजीनियर पूरा पूरा दिन बल्ब जोड़ता रहे लाइट का तार पूरे दिन जोड़ता रहे अब कह देख बाबा लाइट आई तो इंजीनियर बनेगा अच्छा जो जोड़ दे बड़ी मम्मी लाइट बना दी मोबाइल टॉर्च होगी नॉर्म चल जाऊंगी हूं ये मौकियां बनाई नैया जोड़ियो नैया काटियो उनकी टॉर्च तो यो तो भाई बन पक्का ही बन के रहो हां किसोक लाग रहे आज अच्छो तो दीदी जब बैठाऊं जाता तो तू अकेलो रह जा तो बड़ा भाई ही बेबी कुछ ना कुछ पढ़ाई या जॉब कर रही तो ये होने तो कि मैं भी दीदी के पास में चल जाऊं या दीदी मेरे कन आ जाए ना मैं बाहर ने खेलने ना चल जा तो मन्ने भी ले चलो आज आज मन्ने भी ले चलो आ जाऊं उल्टो पण कौन लेगा कनाई लेगा कौन नहीं क्या ले रो हो तो भाई उरे ही आओगी पट के उरे ही आ जाएगी सही है ते अंकल जी क्या बताओगा बेटी के बारे में बेटी के बारे में क्या बताऊं बेटी मतलब बचपन हुई बहुत इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में भी एक भी दिन बेटी न्यूकन करना पड़ेगा पढ़ना है के करना है खुद को मतलब अपना फिक्स टाइम टेबल थो इतनी देर पढ़ना इतनी देर खेलना इतनी देर टीवी देखना है पूरे परिवार ने खुश कर दियो परिवार में पहली डॉक्टर निकली है 12वीं के साथ साथ खुशी बहुत बढ़िया खुशी की बात है तो अभी आकांक्षा मम्मी पापा ताऊ ताई जी दादा दादी जी की तरफ कोई गिफ्ट भी मिल गोगे
हाँ गिफ्ट तो काफी मिले हैं। मतलब क्या क्या गिफ्ट मिलगा? गिफ्ट तो सब बड़ी बात, तो गिफ्ट तो अभी कैची है, मैं खुद ही कुछ ना कुछ खरीदती रहूँ ऑनलाइन, तो फिर दादा दादी पैसा देता रहे हैं। लगी रहे लगी रहे। तीसरे दिन मोटरसाइकिल लेके आऊ, ये तरह सामान लेना है, यो तरह यो फोन करे बाबा 260 रुपया दे दियो ने, 360 रुपया दे दियो, रोज आओ। दादी दादा ने मम्मी पापा ने क्या दिलाओगा? सपनों तो काफी कुछ है कि अपनी पहली कमाई में काफी कुछ दिलाऊं। जाए मेरे दादाजी ने जूती बहुत पसंद है, तो अणकी एक जगह पचेरी की जूती बहुत फेमस है, मैं नाम भूल जाऊं, पचेरी की जूती बहुत फेमस है, तो यू है कि मैं मेरे दादाजी ने मेरी फर्स्ट सैलरी जूती बनवा के दू, पचेरी की सब बेस्ट जूती बनवा के दू। अच्छा, चाहे कितना ही रुपया लगा। हाँ, चाहे कितना ही रुपया लगा, अना भी तो लगाया है मेरे पे बिना सोचे समझे, तो मैं भी तो लगाऊंगी ना। तो भाई बच्चा ने मोबाइल को बहुत शौक रहा है, तो मोबाइल टीवी को तो शौक मना भी काफी थो, पास होता है 20,000 का लेके दिया है। 20,000 को बोले दी, 20,000 को लूंगी। अच्छा, लिया ही। और वीडियो ने भाई शेयर जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।